जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, ये आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 21 होने वाली है। यूपी जीके आपको इसीलिए आराम आराम से करा रही हूँ, चाहने के लिए क्लास 20 तक आपकी पूरी जीके फिनिश कर देती, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ अगर आधे घंटे में, 15 मिनट में या 10 मिनट की जो भी मेरी वीडियो होती है उसमें जो आपको मिले वो आप अच्छी तरीके से पढ़ें। मैं बस ये चाहती हूँ कि कम पढ़ें लेकिन अच्छे लेवल का पढ़ें, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ने से हम चीज़ों को भूलते हैं। और मैं आपसे अब भी कह रही हूँ कि अगर आप इस क्लास में आए हैं तो क्लास 20 तक आप रिवीजन अवश्य करके आएँ, ठीक है। लाइव क्लास में आपसे ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। किस लिए पूछा जाता है? कि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों को अब तक जीके यूपी जीके बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट ना लगे, हर एक कठिनाई का सामना आप मजबूती के साथ करें, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपकी क्लास 21 है। यूपी जीके में हम पढ़ेंगे विविध, ठीक है। विविध पढ़ लेते हैं। बीच बीच में विविध इसलिए पढ़ा देती हूँ क्योंकि जैसे चैप्टर में जो क्वेश्चन नहीं हो पाता वो आपका विविध में हो जाता है, ठीक है। कल से आपका पशुपालन स्टार्ट हो जाएगा यूपी जीके में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है ना। तो पहला क्वेश्चन है महाभारत में कौरवों ने, ठीक है, महाभारत जो हुआ था उसमें कौरवों ने पांडवों को जलाने के उद्देश्य से लाख का महल कहाँ बनवाया था? तो आप कह दोगे वर्णावत में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? वर्णावत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नजाकत का शहर, है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं आपसे यही पूछ लेती नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप कह देते लखनऊ को। नजाकत का शहर और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका गंगा की बेटी के रूप में प्रसिद्ध हिंगवा झील कहाँ स्थित है? तो आप कह दोगे ये झील आपकी वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, गंगा की बेटी के रूप में, ठीक है। प्रसिद्ध झील है हिंगवा झील, कहाँ पर है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? तो आप कह दोगे गंगा नदी के किनारे, ठीक है। ये तो आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा, तो ये आपको पता लग गया है ना, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो आप बता दोगे लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यही है, ठीक है, समझ गए ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यही है ना। अब आपका फैजाबाद का वर्तमान नाम बताइए। पहले फैजाबाद कहते थे, आज इसे कहते हैं अयोध्या, ठीक है, क्या कहते हैं? अयोध्या। अगला क्वेश्चन है शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया? शाहजहाँ ने ताजमहल कहाँ बनवाया? आगरा में। तो मोती मस्जिद का निर्माण भी उसने आगरा में करवाया, ठीक है, कहाँ करवाया? आगरा में। अगला क्वेश्चन है आपका यूपी का सबसे प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आप कह दोगे बनारस अखबार है। कौन सा अखबार है? बनारस अखबार, है ना, समझ गए ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये हैं आपके श्री गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ, है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा अभी हमने पढ़ा था लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा कौन सा है आपका? सबसे छोटा आपका हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूपी के प्रथम खेलकूद की स्थापना कहाँ पर की गई, किस जिले में की गई? तो ये लखनऊ में इसकी स्थापना की गई सन 1956 ईस्वी में, ठीक है, समझ गए ना, लखनऊ में सन 1956 ईस्वी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 12 कह रहा है कि यूपी का जो उच्च न्यायालय है वो
किस जिले में स्थित है तो आप बता दोगे, ये आपके इलाहाबाद जिले में स्थित है, जिसे आज हम क्या कहते हैं, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। ठीक है, जहाँ तीनों नदियों का संगम स्थल है वो जगह है आपकी प्रयाग। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये आपका कानपुर है। सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो कानपुर है। यूपी की जनजाति बताइए, थारू हो गई, बुक्सा हो गई, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी आदि जनजातियां यूपी में पाई जाती हैं। ठीक है, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी। यूपी में गोविंद सागर किस नदी पर है, तो एक नदी है सहजाद। ठीक है, इस नदी पर है, और कहां पर है, सोनभद्र में। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, कन्हार बांध यूपी के किस जिले में है, तो ये आपका कहां पर है, ये भी आपका सोनभद्र में है। ठीक है, कहां पर है, सोनभद्र में है। ठीक है, समझ गए। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है, ये आपके इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब की गई, 1977 ईस्वी में इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ठीक है, लावड़ी एवं बहतर व्हील कहां का लोक नृत्य है, तो ये आपके रुहेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, समझ गए, ये मैंने लोक नृत्य में कराया था, ये क्वेश्चन आपका फंस गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो यूपी से संबंधित किसी न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और जो भी लोग हमारे चैनल पे एकदम न्यू जुड़े हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए, एकदम फ्री क्लासेस हैं, आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो देखने को मिल जाएंगी, एकदम फ्री क्लासेस हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट मैंने आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बिस्मिल्ला खान का संबंध किससे है। ठीक है, तो आप बता दोगे कि ये शहनाई वादक हैं। कौन है, शहनाई वादक। ठीक है, और फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आपके रायबरेली में है। ठीक है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, समझ गए ना। यूपी में रेलवे जोन के कुल कितने मंडल हैं, तो ये भाई आपके 9 मंडल हैं। कितने हैं, 9 मंडल हैं, किसके, रेलवे जोन के। ठीक है, सॉरी, सड़क जाल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, तो ये यूपी का दूसरा स्थान है। ठीक है, आंधी ताल झील यूपी में किस जिले में स्थित है, आंधी ताल आ गई, आंधी आ गई है ना, आंधी आ गई, कहाँ पर आई आंधी, बनारस में आंधी आ गई। ठीक है, वाराणसी में आंधी आ गई। ठीक है, याद हो गया, तो ये कहाँ पर आई, वाराणसी में, है ना, समझ गए। आंधीताल झील कहाँ पर है, वाराणसी में है। ठीक है, यूपी में सबसे कम लहरों की जो लंबाई है किस जिले में है, सॉरी ये नहर है। ठीक है, सबसे कम नहरों की लंबाई किस जिले में है, तो आप बता दोगे अमरोहा में है। कहाँ पर है, अमरोहा में सबसे कम नहरों की लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी में पशुचारा बैंक कहाँ स्थित है, तो आप बता दोगे भाई, दीदी ड्यूटी करती है झांसी में, तो झांसी में स्थित है पशुचारा बैंक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, तो आप बता दोगे सन 1981 ईस्वी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूपी में आलू निर्यात जोन कौन सा है, तो वो है आपका आगरा, आसे आलू आसे आगरा। ठीक है, याद हो गया। यूपी को कुल कितनी कृषि जलवायु में बांटा गया है, तो ये 9 में बांटा गया है। ठीक है, कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूपी में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लगा है तो 10 बार, कितनी बार, 10 बार, है ना। यूपी में नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है, लखनऊ में, एक है। ठीक है,
लखनऊ में ही है और एक ही है ना। और यूपी में आदर्श कारागार कितने हैं? एक है। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपको आज की यूपी जीके की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।